अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे KBK के तमाम जो टीचिंग के लिए जिन्होंने टेस्ट दिया है, यानी जो PST है, CT है, TT है या PT, DM खारी वगैरह, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स ये पोस्ट जो है ये आपके खिदमत में पेश कर रहे हैं फ्रेंड। तो PST, CT, TT, PT समेत तमाम कैडर के रिज़ल्ट और मेरिट लिस्ट के लिए हम टॉप 10 चलाने जा रहे हैं, इसलिए हमारा साथ दीजिएगा। हमारा बुनियादी मतलब और मुतालबा ये है कि अगर PST टेस्ट कैंसिल है तो फिर कैंसलेशन और रिकंडक्ट करने के लिए अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया। इसकी वजह से तमाम प्रोसेस शऊरी तौर पर डिले कर दिया गया है। क्यों? अगर कैंसिल नहीं तो रिज़ल्ट न देना का इंसाफ है, इसलिए हम अपने राय देने से पहले इंसाफ हुकूमत के जवाब के इंतज़ार की वजह से टेंशन में हैं। मसला ये है कि कैंडिडेट भी तकसीम है। अब अगर मैं कहूँ कि टेस्ट कैंसिल हो तो न कैंसिल करने वाले कहेंगे कि ये फेल है, इसलिए दोबारा टेस्ट कंडक्ट का मुतालबा करता है। और अगर कहूँ कि रिज़ल्ट चाहिए कैंसलेशन नहीं तो फिर भी कुछ कैंडिडेट हमें खरीदार के लकब से नवाजेंगे, इसलिए हमारा मुतबिका बुनियादी मुतालबा ये है कि पहले ही की तरह प्रोसेस को तेज़ और फ़ाल तर बनाया जाए और कैंसलेशन, रिकंडक्ट और इंस्पेक्शन तहकीक़ात से बालातर होकर कैंडिडेट्स को इंसाफ फराहम किया जाए, ताकि कैंडिडेट्स का टेंशन और एहसास महरूमी ख़त्म हो। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो, ये नंबर है प्रिंट, इस पर ट्रेंड चलाने के लिए ग्रुप में मुतहद हो कर एक आवाज़, यानी एक आवाज़ उठाओ बैक वक्त मुख्तलिफ ट्रैप के ज़रिए अपने हक़ के लिए आगे हो जाए। शुक्रिया, शेयर करें प्लीज़।